हेलो एडिज, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर मून ब्लेसिंग की रीडिंग। ओके, फुल मून जो कल आकर गया है यहाँ पर, उसकी ये रीडिंग है। ये रीडिंग इसके लिए सपोर्ट करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और आप क्या चाहते हो जो आपको पता नहीं चल रहा है। एक तो दुविधा मनस्थिति में हो सकते हो या डिप्रेशन में हो सकते हो, जिससे आपको यहाँ पर गाइडलाइन मिल सकती है। सो यहाँ पर मोनोलॉजी और सोल हीलर डेक से हम देखेंगे कि आपका सोल क्या कहना चाहता है आपसे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या कहना चाहता है। सो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोलॉजी से। थैंक यू सो मच। ये रीडिंग सबके लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए है, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके चार्जेस रहते हैं। थैंक यू। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपके लिए कार्ड निकला है। यहाँ पर ये कार्ड निकला है आपके लिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्ड निकला है। ओके, एरीज, यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी आपको ना कंटिन्यू जो आप ऑन रहते हो, ओके, कंटिन्यू कुछ थॉट्स करते रहते हो या कुछ सोचते रहते हो बार बार। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की बहुत ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखो, सेल्फ खुद के तरफ भी देखना ज़रूरी है। आप कोई एक कोई बैड सिचुएशन से जा रहे होगे तो जो आप बहुत ज़्यादा थॉट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आपके अंदर, तो यहाँ से ना आप रिलैक्सेशन के लिए आप किसी को शेयर कर सकते हो। आपके जो भी आप डिप्रेशन में हो या कुछ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा रिलैक्स रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइफ की साइकिल है, ये तो चलती रहेगी, और बुरे दिन जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, तो ये तो होता ही रहता है, तो इसके ऊपर आपको बिलीव रखना है। ओके, और कंटिन्यूस खुद को बिजी मत रखिए। ओके, थॉट्स में भी और ना ही वर्क में भी आप कंटिन्यू बिजी मत रखिए। ओके, आपके हाई एम्बिशंस हैं, आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं आपके लाइफ में। यहाँ पर ये एनर्जी पिक हो रही है और आप बहुत ज़्यादा होप्स लगा कर हो। ओके, इसके लिए आगे आपको सक्सेस मिलेगा, बट आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाइए। आपका यहाँ पर सचमुच आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, आपके कुछ तो भी मेडिटेशन कीजिए। ओके, जिससे वजह से आपके थॉट्स को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, क्योंकि आप बहुत सारे अलग अलग थॉट्स करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो, और चूँकि कभी कभी रात को मीन्स उठ जाते हो या रात में नींद नहीं आती है, इसका भी यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है। उसके वजह से आपके हेल्थ में भी इशू हो सकता है। और देखिए कि जो जो रास्ता आपको मिल रहा है वहाँ पर फ्लो होना है, बट ये भी ध्यान रखना है कि कोई आपको रॉन्ग वे से ट्रैप ना करे, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और सतर्क रहना। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर गाइडलाइन आई है मून की तरफ से। यहाँ पर हम देखते हैं सोल ओरेकल डेक से। थैंक यू सो मच। एरीज के लिए गाइडलाइन प्लीज। थैंक यू सो मच। यहाँ पर गाइडलाइन आई है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर कार्ड आया है आपके लिए। फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स, यू आर नॉट अलोन। सो यहाँ पर जो कहा जा रहा है, मैंने अभी कहा कि आप जो ट्राई कर रहे हैं या आपकी एक बैड सिचुएशन है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि
जिंदगी में आप अकेले गिर गए हो या अकेले हो, सो आपका सोल यहाँ पर कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में एंसेस्टर्स हैं, आपके साथ में एंजल्स हैं, आप में वो गॉड गिफ्टेड है, यानी जो एंसेस्टर्स आपके पूर्वजों से लेकर कुछ आपके तरफ आया है, ओके सो उसको पहचानिए और आप अकेले नहीं हो, आपको स्ट्रांग बनना है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्ट्रांग बनना है आपको। फील द पावर, आपके पावर को पहचानिए, ओके आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। द टाइम इज़ राइट, बॉटम ऑफ द डेक आया है, द टाइम इज़ राइट। साइज द डे एंड मेक द प्रोग्रेस ऑन योर सोल पाथ, ओके सो जो अभी कहा कि आपका सोल क्या कह रहा है, आपकी सोल की आवाज़ सुनिए, आपकी इनर वॉइस सुनिए कि जो आपको बता रही है कि आप कहाँ जाना है, क्या करना है, ओके आपको सेफ भी रहना है और आपको बिलीव रखना है आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स के ऊपर, क्योंकि ये आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो आपके लाइफ में, आपके सोल के साथ में। ये आपको कभी अकेला रखेंगे भी नहीं, ये जहाँ पर भी आपकी कमियाँ हैं या जहाँ पर भी आपको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, ये कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, बट आपको क्या करना है, उनको इनवोक करना है, उनको बुलाना है, हेल्प चाहिए, ऐसा कुछ तो भी कहना पड़ेगा, तभी ये एंसेस्टर्स आपके लिए आएंगे, हेल्प लेंगे। सो यहाँ पर बहुत ही सुंदर गाइडलाइन आई है आपके लिए गाइज, तो ये लीजिए ओके। और जिनको ऐसा लगता है कि यस ये आपके ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपने एंसेस्टर एंजल्स सबको आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और उनको हेल्प की पुकार कीजिए, वो आपके लिए ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ शॉर्ट बट स्वीट में, क्योंकि ये मून की ब्लेसिंग मैं बता रही हूँ, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड में आपको चाहिए, ओके सो उसके ऊपर आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।